टुडे वी आर स्टार्टिंग अ बेसिक फंडामेंटल सीरीज फॉर ऑल माय बिगनर फ्रेंड्स। मैं ये सीरीज इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर आर्टिस्ट अपने बेस्ट आर्टवर्क्स को ही शेयर करते हैं, उसके पीछे किए गए एफर्ट्स को नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कितनी बार भी कॉपी कर लें, हम वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं गेन कर पाते हैं। तो ज़रूरत है हमें अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाने की, जिसके लिए मैंने सोचा कि ये सीरीज़ अच्छी रहेगी। मैंने अपना फुल ट्राई किया है अपना बेस्ट देने की, एक्चुअली मैं भी सीख ही रही हूँ। मैंने सोचा साथ साथ में अगर आप भी सीखेंगे तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे मैं हर एक लाइंस को स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल या रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं, इससे आप अपने हाथ को बैलेंस कर सकते हैं, आप पेंसिल को बैलेंस करना सीख सकते हैं, साथ ही साथ आपका ऑब्जर्वेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप इसे एज अ वार्म अप एक्सरसाइज भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये सीरीज़ थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। और यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट डिफरेंट साइड से स्ट्रोक्स बना रही हूँ, जिससे आपका हाथ अच्छे से ट्रेंड हो सके। साथ ही में यहाँ पे मैं डार्क टू लाइट टोन्स यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली टोन्स तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है बेसिक लेयर के लिए यूज़ होता है, सेकंड जो है वो उससे हम शेडोज़ वगैरह बनाते हैं, और जो थर्ड होता है वो डेप्थ क्रिएट करने के लिए होता है। यहाँ पे मैं थर्ड लेयर बना रही हूँ जो कि सबसे डार्क होता है, इसके बाद मैंने उससे लाइट किया हुआ है जो कि उससे थोड़ा सा लाइट होता है। इसके बाद फर्स्ट लेयर जो है वो मैंने बनाई हुई है जो कि बेसिक लेयर होती है, आपको पता ही है। और ये सब हम यूज़ करते हैं स्टिल लाइव में। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि स्टिल लाइव भी लाया जाए जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे यूज़ होती है और स्टिल लाइव हम ड्रॉ कैसे करते हैं। साथ ही में मैं यहाँ डार्क टू लाइट टोन्स को और ज़्यादा एक्सटेंड कर रही हूँ और डिफरेंट पैटर्न्स कर सकते हैं। और साथ ही में जब आप इसको कई बार प्रैक्टिस करिएगा जिससे जब आप कोई भी आर्टवर्क बनाएं तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज दिख सके। और या इसको मैं डिफरेंट शेप्स में बना रही हूँ। बस वीडियो ख़त्म होने वाली है, आप बताइएगा आपको जो और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको भी डिस्कस कर सकूं। और यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स दे रही हूँ डार्क टू लाइट जो आपको हैचिंग में भी हेल्प करेंगे। एक्चुअली हैचिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट बेसिक्स अगर हम कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ों का बेस करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं डार्क टू लाइट वेव्स बना रही हूँ जो कि हेयर वगैरह बनाने में काम आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।